दीपा श्रीवास्तव को कंधे दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने हर को स्ट्रिप्स पे चिपका लिया है। ऐसे चिपकाने के बाद यहाँ पे हमने यू शेप का कट करेंगे, सन की रोशनी तरह इसमें कट करेंगे ताकि आपके कंधे में रोशनी आए। तो सब में अलग टाइप से कट करना है। तो कई तीन कलर का मल्टी कलर ले लिए हैं और रिपीट कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 6 भाग में ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको कटर से कट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टेप्स में कटिंग कर ली हमने। एक एक को हम छोड़ के कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि तो इसमें हमें अलग कटिंग करनी है ऐसे करके। तो आपको ये बॉक्स कट करके छोड़ के करना है। स्टेप्स में जो कटिंग कर ले रहे हैं, स्टेप्स में लगाते जा रहे हैं। इसको चार पीस में से मोड़ करके कट करना है, तो एक शेप का कट हो जाएगा। अपोजिट पर लगा रहे हैं, जिसमें ऑरेंज है उसमें ग्रीन, मतलब जिसमें ऑरेंज है उसमें पिंक, और जिसमें ब्लू है उसमें येलो। इस तरह से अपोजिट कलर का नीचे का हम पीछे का लोटस का बेस बना रहे हैं। नीचे का लोटस बेस हो गया, ऊपर से फिर कटिंग कर दिया गया है। ये सबको होल्ड करके उसमें थ्रेड पड़ जाएगा। और ये देखिए स्क्वायर, ये सब शेप बन गए हैं। इसके लिए हम लोग चमकीले फ्लावर लगाएंगे लोटस वाले, लगा कर रख देना है। अभी सूखने देना है, फिर इसके नीचे लटकने वाला लहर लगेगा। अभी इसको सूखने में छोड़ देना है, स्टेप से दबा करके। तो आपको दबाना, वेट से दबाना पड़ेगा। इस टाइप से हम वेट से दबा दे रहे हैं सबको। तो मैं अभी आपको ये सब तो कट करके ओके हो गया। यहाँ पे एक बच्चे खुद बेल बनाएंगे और बेल के इधर उधर दो दो लीफ लगाएंगे, तो चौ चमकता हुआ दिखेगा। सेम इस येलो वाले पैटर्न में भी करना है। और यहाँ पे देखिए हमने होल कर दिया है। होल करने के बाद इसमें आप रिबन डाल देंगे। स्टेप का रिबन चाहिए तो स्टेप का डालिएगा, या पतले रिबन्स होंगे वो डाल देंगे इसके अंदर। ये ढेर सारे फ्लावर बनाए गए हैं इस टाइप से। इसको आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है इस जगह पे। इस टाइप से पूरा इसको भर देना है फ्लावर से। इस टाइप से ऊपर जैसे फ्लावर से हवा से उड़ा है। ये देखिए इस टाइप से बच्चों को यहाँ फ्लावर टक कर देना है इस जगह पे। ये देखिए इस टाइप से हमने फ्लावर बना दिए। ये फ्लावर आपको ऊपर इस जगह पे ऐसे लगा देने हैं, सब एक ही साइज़ में लगाने हैं। इस टाइप से पूरे स्टेप से इसको लग जाएंगे फ्लावर आपके। यहाँ पे इस टाइप की पत्तियाँ कट कर देंगे, जो बच्चे को 3D इफेक्ट में यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और ये पत्ती लीफ ऐसी रहेंगी, इनको काफ़ी लगाना रहेगा आपको। आपको तुरंत रेडी हो जाएगा, यहाँ से सब रोशनी निकलेगी। देखिए इस टाइप से ये पेपर यहाँ पे लगाने हैं। इसमें हमें स्टिक कर दिए हैं और सब बच्चे खुद स्टिक करेंगे। इस सब के लिए हम येलो कट करेंगे, और येलो के लिए हम रेड कलर कट करेंगे, ग्रीन कट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से कट करेंगे। और इस टाइप से यहाँ पे भी क्लियम देंगे, तो बच्चे पिंक में ब्लू लगाएंगे और ब्लू में येलो लगाएंगे और येलो पे ग्रीन। ऑलरेडी ग्रीन लग रही है, तो इस टाइप से इसको चमकता हुआ बनाना है। और फिर यहाँ पे हमको नीचे जो लटकने के लिए बनाना है वो हम दिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि आइडिया देना है मुझे। इसको पूरा हम नहीं बनाएंगे। ये देखिए इस टाइप से कटिंग हमने करके लगा दी है। तो बच्चे इसको पीछे साइड से, ये इसके ऊपर रहेगा, बैक साइड इसको उस पर लगा देंगे। ऐसे ही लगेगा पूरा, बैक साइड से बच्चे इसको लगा देंगे। और फिर इसको घुमा करके टर्न करके आपको धागे को बांध देना है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा हम गिरा दे रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमने टक नहीं किया है, इसको आपको गिर जाएगा। ये इसको बच्चे खुद करेंगे, ये सारा ऐसे टर्न हो जाएगा। ये टर्न हो गया ऐसे गोल सा आपका, और इसमें हमने होल किया, यहाँ से धागा बंधेगा और ये आपका कंधे रेडी हो जाएगा। ठीक है।